अगस्त 2019 जब केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया तो वह शख्स उस समय जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल था, लेकिन थोड़े ही समय बाद उसने मोदी सरकार से बगावत कर दी। आज अनसुनी कहानियां में चर्चा उस शख्स की जिसे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अपना वारिस मानते थे और उसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चौधरी चरण सिंह ने अपने चहेते नेता को पार्टी से ही निकाल दिया। आज अनसुनी कहानियां में बात उस शख्स की जिसने इंदिरा गांधी का विरोध किया लेकिन बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गया। आज अनसुनी कहानियां में चर्चा राजीव गांधी, संजय गांधी के दोस्त और नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन सत्यपाल मलिक की। लड़ाई तो ये अल्टीमेट जाएगी 24 तक। ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम रेडी टू फाइट। लेकिन भैया कहते थे कि दिल्ली बहुत खराब जगह है, यहाँ के आदमी बदल जाता है, तो ये दिल्ली आके बदल गए, पता नहीं क्या हुआ है। अगस्त 2018 में मोदी सरकार ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाकर भेजा। ठीक एक साल बाद दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। उस वक्त सत्यपाल मलिक के हाथों में जम्मू कश्मीर की पूरी कमान थी। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनते ही विरोधी दल के नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या तो नजरबंद कर दिया गया। 3 महीने भी नहीं बीते कि सत्यपाल मलिक से मोदी सरकार का मोह भंग हो गया। दरअसल कश्मीर में अपने बयानों को लेकर सत्यपाल मलिक काफी सुर्खियों में रहे। अपने झन्नाटेदार बयानों से मलिक ने घाटी में सियासी पारा बढ़ा दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा, यहाँ लड़के खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं और राज्य के पुलिसकर्मियों को मारते हैं, आप उन्हें क्यों मार रहे हैं? अगर मारना ही है तो उन्हें मारो जिन्होंने आपके देश और कश्मीर को लूटा है। क्या आपने ऐसे किसी शख्स को मारा है? सत्यपाल मलिक के इस बयान पर सियासी घमासान मचा तो उन्होंने माफी मांग ली। जम्मू कश्मीर के बाद सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया, जहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से उनकी खटपट हो गई। सत्यपाल मलिक ने अपनी ही पार्टी की प्रमोद सावंत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। वहीं सत्यपाल मलिक ने सबसे बड़ा बम तब फोड़ा जब उन्होंने मोदी सरकार पर पुलवामा हमले की जिम्मेदारी थोप दी। सत्यपाल मलिक ने यहां तक कह दिया कि पुलवामा हमला मोदी सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ था। जब पुलवामा हमला हुआ तब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। ऐसे में उनके बयानों ने सियासी उबाल मचा दिया। पुलवामा हमले को लेकर पीएम मोदी पर सीधे आरोप लगाते हुए सत्यपाल मलिक ने यहां तक कह दिया कि सीआरपीएफ ने सरकार से अपने जवानों को लेकर जाने के लिए विमान की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने विमान देने से इनकार कर दिया था। हमले के बाद पीएम मोदी ने मुझे जिम कार्बेट पार्क से फोन किया तो मैंने यह मामला उनके साथ उठाया तो पीएम मोदी ने मुझे चुप रहने और कुछ न बोलने की सलाह दी। यही बात मुझसे एनएसए अजीत डोभाल ने भी कही। तभी मुझे लगा कि सरकार का इरादा हमले का ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़कर चुनावी लाभ लेना है। बात 1973 की है। मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाली लता गुप्ता नाम की छात्रा का अपहरण हो गया। आरोप लगा कि अपहरण में डीआईजी मेरठ रेंज से जुड़े कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लता गुप्ता कांड के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। मेरठ की सड़कें छात्रों से पट गई। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। अगले दिन कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए छात्र जिमखाना मैदान पहुंच गए। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सत्यपाल मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात जैसे ही चौधरी चरण सिंह को पता चली तो उन्होंने अपनी पार्टी के तत्कालीन जिला अध्यक्ष और अपने एक करीबी को संदेश के साथ जेल भेजा। सत्यपाल मलिक जेल से निकले तो फौरन चौधरी चरण सिंह के पास पहुंच गए। सत्यपाल मलिक को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद चरण सिंह उन्हें लेकर बड़ौद के हिसावदा गाँव लेकर गए। इसी दौरान एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए चरण सिंह ने कहा कि मुझे मेरा वारिस मिल गया है। 1974 में चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल से सत्यपाल मलिक को टिकट दिया और बागपत से चुनाव लड़वाया। सत्यपाल मलिक के सामने सीपीआई के आचार्य दीपांकर थे। पहले ही चुनाव में चरण सिंह के चेले मलिक ने पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने कॉमरेड दीपांकर को लगभग 8,500 वोटों से हरा दिया। चरण सिंह मलिक की जीत से बाग बाग थे। सत्यपाल मलिक को विधायक बने अभी कुछ ही महीने हुए थे कि इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। आपातकाल के खिलाफ विरोधी दलों ने तय किया कि रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की जाएगी। 25 जून 1975 को होने वाली इस रैली में भाषण देने के लिए कांग्रेसों की तरफ से मोरारजी देसाई, जनसंघ की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी आए, जबकि भारतीय लोकदल से चौधरी चरण सिंह ने अपने भरोसेमंद सिपाही सत्यपाल मलिक को भेजा। दिग्गजों के बीच भाषण देने पहुंचे मलिक की उम्र उस समय 29 साल थी। हालांकि सत्यपाल मलिक के लिए दिल्ली पहुंचना आसान नहीं था। उनके कुछ दोस्त जेएनयू और आईआईटी में रहते थे। सत्यपाल मलिक के खिलाफ सरकार ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए मलिक हॉस्टल में रुके।
बाद में सत्यपाल मलिक ने अपनी गिरफ्तारी का प्लान खुद तैयार किया। मलिक ने अपनी गिरफ्तारी का स्थान हापुड़ में होने वाले गढ़ मेले को चुना, जहां उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर मेरठ जेल भेज दिया। इसके बाद फतेहगढ़ जेल फिर दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ में सत्यपाल मलिक उसी बैरक में पहुंच गए जिसमें चौधरी चरण सिंह को रखा गया था। आपातकाल खत्म होने के बाद सभी विरोधी नेताओं को जेल की चंगुल से आजादी मिली। सत्यपाल मलिक भी तिहाड़ जेल से बाहर आए, लेकिन एक सियासी घटनाक्रम ने सत्यपाल मलिक की मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल चौधरी चरण सिंह ने अपने चहेते सत्यपाल मलिक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद को लेकर सिर फुटवल चल रही थी। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और चौधरी चरण सिंह उपाध्यक्ष बने। मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था, जबकि चरण सिंह अपने भविष्य को लेकर असमंजस में थे। उन्होंने सत्यपाल मलिक को इशारा किया, जिसके बाद से सत्यपाल मलिक और बीजू पटनायक जयप्रकाश नारायण के पास पहुंचे। उन्होंने जेपी को इस बात के लिए राजी किया कि उत्तर भारत के लगभग 365 सीटों का बंटवारा चरण सिंह करेंगे और बाकी बची सीटों का मोरारजी देसाई। ये फॉर्मूला अभी तय हो ही रहा था कि आरएसएस से जुड़े नेताओं ने सत्यपाल मलिक के साथ खेला कर दिया। एक तरफ सत्यपाल मलिक चरण सिंह के लिए रणनीति बनाने में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी चौधरी चरण सिंह के पास पहुंच गए। अटल जी ने चरण सिंह से कहा कि चौधरी साहब, आप हमारे लिए इंदिरा गांधी हैं और मोरारजी देसाई डीके बरुआ। अटल जी ने तंज भरे लहजे में यह बयान इसलिए दिया क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और डीके बरुआ कांग्रेस अध्यक्ष थे। अटल जी ने चौधरी चरण सिंह को उनके जीवन का सबसे बड़ा ऑफर देते हुए कहा कि जनसंघ आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन एक शर्त है, आप सत्यपाल मलिक को पार्टी से निकाल दें। वो आरएसएस के खिलाफ लगातार बयान देते रहते हैं, हम उनको साथ लेकर नहीं चल सकते। दरअसल उन दिनों सत्यपाल मलिक उन नेताओं में शामिल थे जो आरएसएस के खिलाफ खुलकर बोलते थे। अटल जी का प्रस्ताव सुनने के बाद चौधरी चरण सिंह दुविधा में पड़ गए, लेकिन सियासत के माहिर खिलाड़ी चरण सिंह ने अपने प्रिय नेता की कुर्बानी दे दी और सत्यपाल मलिक को 6 साल के लिए राष्ट्रीय लोकदल से निष्कासित कर दिया। इधर चरण सिंह ने सत्यपाल मलिक को पार्टी से निकाला, उधर जेपी ने मोरारजी देसाई के नाम पर प्रधानमंत्री पद की मुहर लगा दी। जेपी ने चरण सिंह को गृह मंत्री बनाया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि भले ही अटल जी चरण सिंह के पास प्रधानमंत्री पद का ऑफर लेकर जरूर गए थे, लेकिन जनसंघ मोरारजी देसाई के साथ था। पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद सत्यपाल मलिक ने ग्रामीण युवा संगठन बना लिया। दिल्ली के साउथ एवेन्यू में एमपीज क्लब में वे अपने साथियों के साथ बैठक कर रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि मोरारजी देसाई ने बीमारी का हवाला देकर चरण सिंह को गृह मंत्री पद से हटा दिया है। उन दिनों चरण सिंह स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए सूरजकुंड चले गए थे। सत्यपाल मलिक अपने साथियों के साथ सूरजकुंड पहुंच गए। घर के बाहर चरण सिंह के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई। उस समय चरण सिंह अपने लॉन में बैठकर किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने देखा तो उनका चेला बाहर खड़ा था। उन्होंने सत्यपाल मलिक को अंदर बुलाया और 15 मिनट तक बातचीत की। सत्यपाल मलिक घर लौटे तो चरण सिंह दिल्ली लौटे। मंत्री पद को लेकर मान मनोवल का दौर चला तो चरण सिंह को वित्त मंत्रालय मिला। सत्यपाल मलिक को पार्टी से निकालने के बाद चौधरी चरण सिंह के मन में एक बात लगातार खटक रही थी। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि सत्यपाल को बता दो कि मुझे उसकी जरूरत है। उस समय चरण सिंह 5 रेसकोर्स वाले बंगले में रहा करते थे। सत्यपाल मलिक उनके घर पहुंचे। चरण सिंह ने मलिक से अपने दिल की बात कही। सत्यपाल, अगर मेरे से गलती नहीं कराई गई होती तो मैं तुम्हें 1977 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। चौधरी चरण सिंह के कहने पर सत्यपाल मलिक राष्ट्रीय लोकदल में वापस लौट आए। इस बार उन्हें चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजनारायण और सत्यपाल मलिक चौधरी चरण सिंह की सरकार बनाने के लिए इंदिरा गांधी के पास समर्थन मांगने गए। आखिरकार चरण सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। सत्यपाल मलिक से प्रभावित होकर 1980 में चौधरी चरण सिंह ने उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया और राज्यसभा भेज दिया। चौधरी चरण सिंह ने अपने वारिस सत्यपाल मलिक को राज्यसभा भेजा तो देवीलाल समेत पार्टी के दूसरे नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनके इस फैसले के खिलाफ घर के अंदर से भी आवाजें आने लगी थी। चरण सिंह घर का विरोध झेल नहीं पाए और उन्होंने 1984 में सत्यपाल मलिक को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस बार सत्यपाल को नोटिस तक नहीं दिया गया। चरण सिंह के रवैये से सत्यपाल मलिक निराश हुए, लेकिन इस बार उन्होंने आगे बढ़ने का मन बना लिया। 1984 में सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस में मलिक अरुण नेहरू के काफी करीबी हो गए, जिसका लाभ सत्यपाल को मिला। राजीव गांधी ने सत्यपाल मलिक को राज्यसभा भेज दिया। हालांकि कांग्रेस के साथ सत्यपाल मलिक की यारी ज्यादा लंबी नहीं चली। बात 1987 की है।
प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा। उसी समय वीपी सिंह ने नई पार्टी बना ली थी। अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद वीपी सिंह के रथ पर सवार हो गए। सत्यपाल मलिक ने भी दोस्तों के साथ जाने का फैसला लिया और 1987 में कांग्रेस छोड़ वीपी सिंह की जनता दल के साथ चले गए। 1989 में हुए आम चुनाव में सत्यपाल मलिक ने अलीगढ़ से चुनाव लड़ा और पहली बार लोकसभा पहुंचे। अरुण नेहरू ने सत्यपाल मलिक को वीपी सिंह सरकार में मंत्री बनवाया। सियासत में कई बार पटखनी खा चुके सत्यपाल मलिक का ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा था। 1996 में उन्होंने अपनी सियासत को बल देने के लिए मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा के साथ भी मलिक की दोस्ती ज्यादा नहीं चली और 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2004 में बीजेपी के टिकट से बागपत से चुनाव लड़ा लेकिन अपने गुरु चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह से चुनाव हार गए। हालांकि 2005 में बीजेपी ने सत्यपाल मलिक को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। 2009 में बीजेपी ने उन्हें किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी में सत्यपाल मलिक का कद लगातार बढ़ता रहा और 2012 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। सत्यपाल मलिक को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि वे यारों के यार हैं। ऐसा ही एक किस्सा साल 2020 का है। उस समय वे गोवा के राज्यपाल थे। गोवा में उन्हें भूटान के कुछ विदेशी मेहमानों का स्वागत करना था। यह कार्यक्रम पहले से तय था लेकिन उसी दिन अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली की शादी थी। सत्यपाल मलिक ने विदेशी मेहमानों का स्वागत छोड़ शादी में शामिल होने पहुंच गए। उनके इस रवैये से विदेश मंत्रालय और दिल्ली के कुछ नेता नाराज हो गए। 1946 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसावदा गांव में जन्मे सत्यपाल मलिक के पिता बुद्ध सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। सत्यपाल जब 1.5-2 साल के रहे होंगे तब उनके पिता का निधन हो गया। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के नजदीक ढिकौली कस्बे के एक इंटर कॉलेज से हुई। इसके बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहीं से की। बाद में यहीं से वकालत भी किया। पढ़ाई के दौरान से ही सत्यपाल छात्र राजनीति में एक्टिव हो गए। 1967 में हुए छात्र संघ के चुनाव में सत्यपाल मलिक ने भी पर्चा भर दिया और जीत दर्ज की। छात्र संघ अध्यक्ष बनते ही सत्यपाल मलिक ने ऐलान कर दिया कि कॉलेज में किसी पार्टी के नेता की एंट्री नहीं होने देंगे, खासकर किसी कांग्रेसी नेता की। 1967 में सत्यपाल मलिक ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरे देश का ध्यान उन पर गया। अंग्रेजी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा बढ़ रहा था। सत्यपाल मलिक ने इस गुस्से को और हवा दे दी। इस गुस्से की धमक दिल्ली तक पहुंची। छात्रों ने संसद के घेराव का ऐलान कर दिया। खुद सत्यपाल मलिक इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। मामला इतना बढ़ गया कि संसद के आसपास शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।